हाय गाइस, आज मैं हूँ कोची में और केरला का जो मैंने सोलो ट्रिप अपने साथ प्लान करा था वो मेरा जो सोलो ट्रिप था अब बन चुका है कपल ट्रिप बिकॉज आई एम हियर। कल रात में मेरे साथ एक सरप्राइज हुआ जो कि शॉकिंग हो सकता था अगर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता, इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा सरप्राइज अगर तुम्हें मिल जाता ना फट के हाथ में आ जाती तुम सबकी। अभी हमें ये भी तो बोलना है ज़ैन कि now we're going to go across Kerala as a couple। यही बोलना था गाइस, अब इसने बोल दिया। लेकिन हमारे जो ये जनाब हैं इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें देखने का, म्यूजियम्स एंड एवरीथिंग एल्स इज समथिंग दैट ही लाइक्स, बट लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज इन स्टोर। मुझे बहुत ही भूतिया प्लेस लग रहे हैं। क्या लग रहा है? चूतिया प्लेस? भूतिया, आई सेड भूतिया गाइस। एक हिस्सा था इस म्यूजियम का, हम जा रहे हैं दूसरे हिस्से में और ये दीदी ने हमको रास्ता बता दिया है कि इस दिस वे राइट प्लीज। ओके चेची रुम नन्नी। वाह, थिंग इज फिल्ड विद एंटीक्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड डिफरेंट प्लेसेस इन केरला। त्रिवेंकोर का है, मालाबार का है, कोचिन का है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मर्ज टुगेदर इन दिस प्लेस and it is also very 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 tastefully done. Chettinad paintings which are done with wooden panels, how interesting is that? And this is one of my absolute favorites. Just look at how old this is and also how it's really stood the test of time. Kya khoobsurat lag raha hai abhi. Doesn't this look like a Mani Chitrataran painting? Mani Chitrataran, Mani Chitrataran matlab? Mani Chitrataran is the original Bhool Bhulaiya guys. भाई ये देखो, यहाँ guys Bhool Bhulaiya भी है और Titanic भी है। अरे यार लोग करा दे रहे ऐसा? हैं? मुझे लगा Instagram आने के बाद ही शुरू हुआ ये। चलो भाई आगे बढ़ो। Turn left to the staircase. भाई वैसे मानो या ना मानो ये जगह थोड़ी क्रीपी तो है। मजाक मत उड़ा। जावेद अभी आईने में पक्का बहुत दिखते हैं, पक्की बात बता रहा हूँ, कोई माइक वाला इसमें देखेगा पीछे और फट गए। बट सम ऑफ द स्टफ ऑनेस्टली हियर इज क्वाइट क्रीपी। लाइक कैन यू कम हियर इन द नाइट? बट डजंट इट ऑलरेडी सीम लाइक इट्स नाइट?
एंड यू नो व्हाट, मेरे तो वो आमी जी तुम्हारे ऑलरेडी बज रहा है पता नहीं क्यों मेरे कान में. When my pinky toe hits the bed. अब अपन जा रहे हैं ऑटो में बैठ के फोर्ट कोची साइड. 4 बजने वाला है, अभी तक खाना नहीं खाया है. वहाँ पर भी देखते हैं कुछ खाने को बढ़िया मिल जाता है तो मिल जाता है, अदरवाइज भूख काफ़ी तेज लग रही है. नहीं मुझे भी. तो हम आ गए हैं फोर्ट कोची. दिस इज़ द एक्चुअल टूरिस्ट हब ऑफ कोची. यहाँ बगल में चाइनीज़ नेट्स जो आपने बहुत सुने होंगे वो सब यहाँ पर हैं, और वो सब चीज़ें सब यहीं पर हैं. थोड़ा सा हम लोग दूर उतर गए हैं फ्रॉम द एक्चुअल ईटिंग प्लेसेस, सो आई थिंक मे बी अ लिटिल बिट ऑफ अ वॉक एंड वील बी देयर. ठीक मेरे उस तरफ आप लोग देख सकते हैं समुंदर दिख रहा होगा आपको, और झील सी आँखें आपको यहाँ दिख जाती हैं अगर चश्मा ना लगा होता. अब तो तुम्हारा लाल भी नहीं है भाई, अब तो दिखाओ. ये झील सी नीली आँखें, कोई पा दे इसमें ज़्यादा. आँखों पर कोई कैसे पा सकता है यार. छी क्या, कोई सेंस नहीं है मेरी शायरी में. मुझे बॉलीवुड का लिरिसिस्ट बन जाना चाहिए. बे भाई काय को फाड़ने के लिए लोगों के लिए यहाँ लटका रखे हैं, है? रात बेरात आदमी आए बेहोश हो जाए यहाँ. प्रोफेशनली मुझे लाइफ में क्लाइंट बनना है कि मैं क्लाइंट बनूँ, बेवकूफ़ी की बातें करूँ, टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करूँ. और इन जनरल लाइफ में मुझे बड़े हो के अंग्रेज़ बनना है. अंग्रेज़ इतने चूतिए होते हैं लेकिन उन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती, उल्टे सीधे सामान खरीद रहे हैं. अंग्रेज़ बनना है मुझे लाइफ में. जैन मतलब सच्ची में इट्स वेरी कमेंडेबल कि तुम्हारे जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वेरी एप्ट, बिकॉज हम एग्जैक्ट सेम प्लेस पर आए थे 2 years back. हाँ, 2 साल पहले. And you still remember. Yes. मतलब you are better than Google Maps. मतलब ये वो है, मतलब hereditary है. अब भी से आई है मेरे को. मैं एक बार कहीं चला जाता हूँ मेरे को रास्ते याद हो जाते हैं लेफ्ट जाना. और यहाँ मैं ऑलमोस्ट 2 साल बाद आया हूँ. एंड इफ आई एम राइट लेफ्ट में आपकी दुकान होंगी. कॉन्फिडेंस तो देखना जरा एक बार. मैंने कोई नेविगेट करके तो नहीं लाया. मैंने कोई नेविगेट करके यहाँ उतारा, यहाँ से मैं अपने आप लेकर आया हूँ. मुझे रास्ते एक बार में छप जाते हैं. सी यहीं आए थे हम लोग पिछली बार. दैट्स राइट. बहुत ही कूल सा रोड साइड ईटिंग प्लेसेस हैं. 3-4 रेस्टोरेंट हैं जो एक साथ ही बैठ के सर्व करते हैं. सो उनकी एक कॉमन सीटिंग एरिया है, वहीं पर आप बैठ के जिससे जो मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं. और सबसे कूल बात ये होती है कि पड़ोस में फिशरमैन बैठते हैं, आप उनसे मछली लाएँ और इनको दे दें, आप मछली पका देंगे आपके हिसाब से. बस खाली पकाने का चार्ज लेंगे, मछली आपकी. वैसे यहाँ भी मछलियाँ रखी हैं, अगर आप लोग विचलित ना होते तो मैं दिखा देता, लेकिन एसेंशियली लाशें हैं ये मछलियों की, तो वो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा शायद लोग अनकंफर्टेबल हो जाए. वो बहुत लग रही है. मैंने ऑर्डर चाहिए और प्लेट से कालामारी डीप फ्राई पिन्ने और प्लेट से प्रॉन्स रोस्ट पिन्ने पराठा. हाँ वाले इष्ट है. हमारी मम्मी यहाँ सब्जियों में डालनी है, सलाद में सर्व हो रहे हैं. The joy of eating tomatoes. चलो खाते हैं. पहले खा के बता दूँ कैसा. How much would you rate this? I would ideally give it 7.5 out of 10. 7.5 इसलिए तो टूरिस्ट एरिया में है तो आपको बैठ के खाने में मज़ा आता है. खाना अच्छा है बट मुझे लगता है थोड़ा ओवर प्राइज है. नहीं है ना, slightly. Like you'll get way more stuff at something like a Paragon. Yeah. तो ये बहुत ही टूरिस्टी एक्सपीरियंस है. अगर आप यहाँ आ रहे हैं टूरिस्टी पने में तो आप खाइए, लेकिन खाना जेन्युइनली अच्छा है. बहुत सी टूरिस्ट जगह ऐसी होती है जहाँ खाना अच्छा नहीं होता है. यहाँ खाना अच्छा है बट ऑफकोर्स एक टूरिस्ट एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा. Yep. दो ही तीन चीज़ें एसेंशियली यहाँ फोर्ट कोची लोग आते हैं. एक तो ऑफकोर्स यहाँ से समुंदर दिखता है और वहाँ कुछ चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं,
बाकी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे डच सेटलमेंट्स हैं और आई थिंक कुछ पोर्चुगीज सेटलमेंट्स भी हैं, तो बहुत कूल सी गलियाँ मिलेंगी आपको और ये सब भी होता वो मिलेगा, लेकिन बहुत सी कूल सी गलियाँ मिलेंगी रंगीन सी, और वही सब एसेंशियली यहाँ पर लोग देखने आते हैं। उमर खयाम What are you doing with that ice cream cone? Yeah, good question. Whoops. अबे घुसी चली जाती उसके अंदर, कहता लाओ बाजी लाओ पैसा लाओ, पहले तो शीशा फोड़ने का उसका, और ये जो मेरा उमर खयाम फोड़ा उसका। दुकान का नाम क्या है? कुछ कुछ रख माँ पास आई ना एक प्यारी प्यारी गुड़िया ला दे कुछ कुछ रख माँ यहाँ वो म्यूजिक चला लेना लाड़े लग गए लाड़े लग गए। जिस भी दुकान के आगे ईको लिखा हो 90% चांस है कि वो तुम्हें चूतिया बनाने वाले, लिख के रख लो ये, मतलब मेरी वो है कि जिस भी दुकान को ये बोलना पड़ रहा है ईको है, ईको फैशन, ईको बुटीक, ईको रेस्टोरेंट, ईको फलाना ढमकाना, 90% चांस है कि वो चूतिया बना रहा है। वी आर नाउ आउटसाइड द सेंट फ्रांसिस चर्च ऑफ फोर्ट कोची। ये हिंदुस्तान का पहला यूरोपियन चर्च है, कहा जाता है कि जब वास्को डगामा आए थे तो उस समय पर यहाँ पर बनाया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, और वास्को डगामा जिन्होंने हिंदुस्तान की खोज करी थी यूरोप के लिए, उनके अवशेष भी यहीं थे, उनको यहाँ दफनाया गया था। हालांकि बाद में उनके लौंडे लपाटे आए, कहते नहीं पापा यहाँ नहीं, वहाँ चलो हम लोग भी अपनी दुकान खोल के वहाँ पैसा कमाएंगे, तो बंद कर दिया गया, यहाँ से उनके अवशेष उठा लिए गए, लेकिन ये चर्च अभी भी यहाँ पर है। और उस मामले में केरला काफ़ी लकी भी है क्योंकि हिंदुस्तान का पहला चर्च दैट वे, हिंदुस्तान का पहला यूरोपियन चर्च यहाँ पर था, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कैलिकट में है, चेयरमैन जुमा मस्जिद जो कि 629 में बन गई थी, हिंदुस्तान का पहला सिनेगॉग जो कि यहूदियों की यानी ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप है वो भी यहीं पर है कोची में। लाइक आई सेड दैट वे बिकॉज ज़्यादातर ट्रेड रूट जो थे वो समुंदर से हुआ करते, दैट वे आई थिंक केरला हैज़ बीन ब्लेस्ड कि इतने सारे अलग अलग कल्चर्स का मिक्सर यहाँ पर है। ऑफकोर्स नंबूदरी ब्राह्मण तो यहाँ थे ही, मेरे ख्याल से हमेशा से यहाँ रहते चले आ रहे थे, सो दैट वे इट्स अ वेरी नाइस कॉस्मोपोलिटन मिक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग चर्च के अंदर आज नहीं जा पाएंगे बिकॉज चर्च इस समय बंद है। जब लास्ट टाइम आया था 2 साल पहले आया था तब साला कोविड के चक्कर में बंद था, अब पता नहीं काहे के लिए बंद है। क्यों भाई खोलते काहे नहीं तुम लोग इसे? पता नहीं यार, कोई तरीका होता है? गलत बात है, ना घड़ी से चल रही है ना खुला हुआ है, मूड खराब है, नहीं समझ में आ रहा, बताओ मंदिर बनवाया? यहाँ से ले होगी कपड़े? हाँ? यहाँ से मैं क्यों लूँ यहाँ से? और जिस चूतिया से लिए वो भी यहीं से खरीद के बेचता है वहाँ दुकान में। तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई? एक ना एक दिन सबको ऊपर ही जाना अल्लाह के पास, धीरे धीरे हम हर इंसान उधर ही जा रहा। जब सीधा बात करोगे ना तब मुझसे बात करना। सीधा तो अभी मैं उल्टा बात कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे बात कर रहा हूँ उल्टा? काफी बहुत स्टफ है यार। हैं? बहुत स्टफ। बोहो बालिका, एक इंस्टाग्राम में बोहो नाम के लोग बहुत है ना। हाँ, बहुत। बोहो बालिका, बोहो चिक, बोहो शीक, बोहो गर्ल, सभी बोहो है। बोहो का गाइस मोटा मोटा मतलब समझ लिए, जो लोग सड़कों से सामान खरीद के टेढ़े मेढ़े उनसे फैशन बना सकते हैं उन्हें बोहो कहते हैं। हमारा घर भी इसी तरह कुछ है, थोड़ा सा छोटा है। हमारा तो फ्लैट है। अरे मैं केरला वाले घर की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेचोड़ा के एयरबीएनबी बना है। चुप, तो जो इंसान वहां रहता है वो क्या करे? हैं, उनको एयरबीएनबी में कमरा दे देंगे। आहा, वो सुपर होस्ट बन जाए। सुपर होस्ट, जैसे कि मैंने बताया था एक मेजर अट्रैक्शन यहाँ का ये भी होता है कि आप आते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं खोजने के लिए चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये हैं वो चाइनीज फिशिंग नेट्स। माना यह जाता है कि चाइना से इंस्पायर्ड होकर टेक्निक बनाई गई थी मछली पकड़ने की। ये जो नेट है ये आगे ऐसे पानी में चले जाते हैं, जैसे मेरा कैमरा गया था, और मच्छी पकड़ के निकाल लेते हैं लौंडों की खुराक बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ये यहाँ का मशहूर है, यहाँ जो लोग आते हैं टूरिस्ट मेरी बीवी के जैसे
वो पैसा दे के आइया हु करके उसको नीचे भी कराते हैं ऊपर भी कराते हैं, उसके 500-600 रुपए दे देते हैं। लेकिन बीच गाइस इतना खूबसूरत है जैसे हर शहर का होता है, यही है। एक बार एक आंटी पूछ रही थी और क्या है देखने के लिए, मैंने कहा आंटी यही है। ये जो हमारे YouTube चैनल की डिस्प्ले पिक्चर है हाँ। वो ये ऐसी जो फोटो है वो एक्चुअली इसी स्पॉट की है, पर सुन मैं आगे था तुम पीछे थी, ये तुम्हें लाइफ में होना चाहिए। सी दिस वाज दैट पिक्चर। ओके नाउ लेट्स रिक्रिएट गाइस, रुको रिक्रिएट करके आ रहे हैं। दुकान है जो पर्टिकुलरली हमें बहुत पसंद आई थी, जहाँ पे से हमने बहुत सारी परफ्यूम्स इतर वगैरह ली थी, इस सबा परफ्यूम्स। तो हम इनफैक्ट उस स्टोर को भी रिविजिट कर रहे हैं और उस मेमोरी को भी रिक्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स गो एंड चेक सबा परफ्यूम आउट। I was so shocked to hear me speak such fantastic Malayalam. I think he was also rather shocked when he did not understand what does Arvad mean. But I don't know numbers and that's absolutely okay. Some people, including me, don't know the Hindi numbers properly. I know both Hindi and Malayalam numbers. Do you know Spanish numbers? Yes. Oh, come on. Unos dos, tres, cuatro, chami, seis, siete, ocho, nueve, diez. It's not Deichi, it's yeah. DS. वही मतलब बाकी उसे बोले नो उन्हें रेंडे मूड ना ला अंजी आ रही है ले उनो दोस त्रेस क्वार्टो सी दैट्स व्हाट इट इज ओचो नुएवे दिए दिए हां दिए साला ओटीपी 2747